चुनाव में मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी वोट डालने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक मुर्दा भी अपनी किस्मत आजमाएगा। कागजों में मृत घोषित हो चुके संतोष सिंह ने वाराणसी के सुपर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो भी क्षेत्र के विकास या किसी दूसरे मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि खुद को जिंदा साबित करने के लिए। अपने गले में मैं जिंदा हूँ की तख्ती लटकाए संतोष नाम का ये शख्स अपने जिंदा होने का सबूत पाने के लिए अब चुनाव लड़ने जा रहा है। अपने जिंदा होने की लड़ाई ये व्यक्ति पिछले 9 साल से लड़ रहा है, लेकिन सरकारी कागजों में मृत होकर ये युवक अभी तक जिंदा नहीं हो पाया है। संतोष चौबेपुर के छितौनी गांव के रहने वाले हैं। उसके माता पिता बचपन में स्वर्गवासी हो चुके थे। संतोष मुंबई में रहते थे। सरकारी रिकॉर्ड में मर चुके संतोष की माने तो 22 बीघे जमीन पे इसके पड़ोसियों ने इसको कागजी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर कब्जा कर लिया है। संतोष को उसके अपनों ने ही मुंबई बम ब्लास्ट में मरा हुआ दिखाकर यहां गांव में तेरही भी करवा दी और उसकी जमीन पर अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके पीछे संतोष का कहना है कि दलित लड़की से कोर्ट में शादी करने के बाद मेरे पड़ोसियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। संतोष इसके पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दे चुके हैं और बीते साल सूबे के मुख्यमंत्री से भी अपनी शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद सूबे की राजधानी में मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन पिछले 9 साल से अपनी जिंदा होने की लड़ाई लड़ने वाले संतोष को न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है।